जिला बिलासपुर में एसआईएस सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के 50 पदों की भर्ती के इंटरव्यू लिए जा रहे थे, जहां अचानक हड़कंप मच गया क्योंकि कंपनी द्वारा जिस जगह पर इंटरव्यू रखे गए थे वहां पर अचानक एकाएक सैकड़ों संख्या में बेरोजगार युवा पहुंच गए और कोविड-19 को लेकर बनाए गए नियमों की जमकर दजियां उड़ाई गई। जब इस बारे में एसडीएम सदर रामेश्वर दास को सूचना मिली तो एसडीएम सदर खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने एजेंसी के अधिकारियों व जिला रोजगार अधिकारी को खूब लताड़ लगाई। साथ ही सदर पुलिस थाना के प्रभारी यशवंत ठाकुर भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। एसडीएम सदर रामेश्वर दास ने कहा कि एसआईएस सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के पदों की भर्ती रखी गई थी, जिस दौरान कंपनी ने सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी जमकर दजियां उड़ाई और 200 से अधिक लोगों को एक साथ वहां पर इकट्ठा कर लिया और वहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था और ना ही उन लोगों की बैठने की व्यवस्था वहां पर की गई थी। जबकि सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों में साफ कहा गया है कि एक जगह पर 50 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और मुंह पर मास्क लगा होना चाहिए, लेकिन यहां पर कंपनी ने सारे के सारे नियम ताक पर रख दिए और आम जनता के साथ वहां पर आए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। कंपनी सिक्योरिटी ने एक जो सरकार द्वारा जारी एसओपी है उसका अवहेलना की है और यहाँ पर 200 से अधिक लोगों को एकदम इकट्ठा कर लिया और बिल्कुल जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और उनके बैठने का प्रबंध आदि नहीं किया गया था, जबकि सरकार द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि केवल 50 आदमी ही एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, मास्क होने चाहिए और एडिक्वेट दूरी भी बनाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने ये सारे के सारे नियम जो हैं वो ताक पर रख दिए और आम जनता को और जो जितने भी लोग वहां पे आए थे उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है।